सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एम आई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आपके कमेंट पर ये डिज़ाइन लाई हूँ। मेरे व्यूअर्स ने फरमाइश की थी कि इस डिज़ाइन को दो कलर में बताइए। तो देखिए, ये हमने दो कलर में बनाया है और इसके लिए आपको 10 नंबर का सिलाई हमने लिया है और ये इसी ऊल से हमने बनाया है। और ये भी ऊल यही है वाला है, बर्दवान का ऊल है। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये देखिए, तो देखिए हमने इसमें नीचे 20 फंदा डाला है और ये डिज़ाइन 16 सिलाई में ओवर हो जाता है। तो ये 20 फंदा और ये हमने पहले से ये लिप बना लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लिप देखिए, ये हमने इसको हमने पूरे कंप्लीट किया है। तो यहाँ से ये वाला देखिए अब घटेगा, जो हमने 4 जाली बना देते हैं उसके बाद ये शुरू होता है, इसको जाली देंगे। तो देखिए हम इधर में बनाएंगे, तो देखिए इसको हम घटाएंगे। तो देखिए इसे एक ये फंदा उतार लेंगे और ये उल्टा बना लेंगे। देखिए इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। हम देखिए धागा पीछे करेंगे और ये जो इसके बाद वाला जो फंदा है इसे हम इस कलर से बनाएंगे। देखिए और यहाँ से हम यहाँ से देखिए यहाँ से पीछे से हम ये वाइट वाला हम उठाएंगे और वाइट से ही हम इसमें एक फंदा बढ़ा देंगे। और ये फंदा जो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो इधर में हम ये फंदा एक फंदा घटा देंगे। यहाँ पे हम एक एक करके 3 फंदा हमको बढ़ाना है और इधर 3 फंदा हमको घटा देना है। देखिए फिर ये वाला एक फंदा इस कलर से बुनेंगे, फिर हम उसको इस तरह से 3 फंदा यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। देखिए फिर धागा पीछे करेंगे और ये जो हमने ये पूरे 4 जाली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये 4 जाली हम इस तरह से इसे हम अब घटाएंगे। देखिए इसे 2 का 1 करना है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर यहाँ पे किनारे में 2 का 1 करना है। उसके बाद फिर हम व्हाइट कलर से धागा आगे करेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर से 2, 3, 4 और 5। और देखिए उल्टे की तरफ से जो जैसा दिखेगा फंदा उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना के हम आते हैं। ये सीधे की तरफ से है और तीसरा सिलाई है, ये उतार लेंगे फंदा। और देखिए 3, 4 और ये एक फंदा जो हम यहाँ पे बढ़ाए हैं इसे हम यहाँ पे घटाएंगे इस बार। तो देखिए यहाँ पे कितना फंदा बच रहा है, 2, 4, 6 और 8। धागा पीछे करेंगे और इस फंदे में हमें 3 फंदा बनाना है। देखिए 1, 2 धागा पीछे करेंगे, 3,
फिर इसे यहीं पे रहने देंगे और धागा आगे करके यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे और फिर इसमें से एक फंदा हमको बढ़ाना है। फिर यहाँ पे हम एक फंदा घटा देंगे अगले सिलाई में। फिर देखिए इसे पीछे कर देंगे और इस फंदे से, इस उल से हम एक फंदा ये कलर बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और ये वाइट वाला तीन फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे यहाँ पे दो का करना है। देखिए तीन चार पाँच छः और ये यहाँ पे लास्ट में, देखिए लास्ट में दो का एक करना है। दो चार छः सात हो गया, इस पर आएंगे तो पाँच हो गई है। फिर धागा आगे यहाँ पे उल्टा पांच फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर उल्टे की तरफ से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेंगे। ये पांचवी सिलाई है। ये फंदा हम उतार लेंगे और ये देखिए चार फंदा बनने के बाद ये दो फंदा करके हमें एक कर देना है। यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे जो हम यहाँ पे बढ़ाए थे। तो देखिए धागा पीछे करेंगे। अब हम ये इस डिज़ाइन का, अब ये डिज़ाइन शुरू होगा। यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। देखिए एक फंदा बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। फिर धागा आगे यहाँ पे एक जाली। फिर ये कलर धागा आगे और यहाँ पे दो उल्टा और एक फंदा इस तरह से इंक्रीज कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा। देखिए एक दो तीन चार और फिर यहाँ पे लास्ट में दो का एक। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा। फिर धागा आगे पांच उल्टा और उल्टे की तरफ से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाएंगे। देखिए फिर से हम सीधे की तरफ से हैं और ये हम मेरा दूसरा जाली है। तो देखिए तीन चार उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे फिर से एक फंदा घटा दिया। अब हम ये फंदा इतना ही रहेगा, तीन फंदा ऐसा ही चलेगा। तो देखिए इसे एक दो फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली डालेंगे। फिर धागा आगे और यहाँ पे एक जाली और फिर एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे तीन उल्टा। फिर धागा पीछे एक सीधा। फिर धागा आगे तीन उल्टा। धागा पीछे इस तरह से दो का एक। फिर एक फंदा सीधा। फिर दो का एक। फिर धागा आगे करके पांच उल्टा। अब उल्टे की तरफ से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिजाइन। तो देखिए अब मेरा ये तीसरा जाली है। इसे हम फिर से और देख लीजिए, ये जो पांच फंदा यहाँ पे बचा है
डिज़ाइन कंप्लीट होने पर अब पांच फंदा यहाँ भी बचेगा। तो देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, धागा आगे पीछे करेंगे और इस धागे से हम ये वाला बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा आगे और एक जाली, फिर धागा आगे एक जाली और तीन फंदा सीधा। ये देखिए ये तीसरा जाली है, फिर धागा आगे करेंगे और ये तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे और इस कलर से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। इस फंदे को देखिए ये लास्ट लिप का लास्ट फंदा है, तो इसे हम तीन फंदा को एक फंदा किस तरह से बनाएंगे, देखिए एक इस तरह से घटा दिए और इसे इस तरह से बुनेंगे और इसे इस तरह से लेकर ऐसे उतार देंगे। देखिए ये लिप किस तरह से बन गया। फिर इस फंदे को हम आगे करेंगे धागे को और ये पांच फंदा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए ये मेरा लिप कंप्लीट हो गया है, इस तरह यहाँ पे हुआ और ये वाला हो गया और ये अभी शुरू हो रहा है, अभी तीसरा जाली है, अभी आएंगे तो चौथा जाली होगा। तो उल्टे की तरफ से उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, और देखिए उल्टे की तरफ से किस तरह से ये है, उल्टे की तरफ से भी एक डिज़ाइन लग रहा है। तो उल्टे की तरफ से देखिए ये जो लीफ का फंदा है, अब हम इस कलर से नहीं बनाएंगे, इस कलर से वाइट कलर से बना लेंगे इस तरह से, और फिर धागा आगे करके ये तीन फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करके ये देखिए इस फंदे से हम बनाएंगे, फिर धागा आगे और ये तीन उल्टा, फिर धागा पीछे। अब इस कलर से अब जो उल्टे पे उल्टा है जो सीधे पे सीधा है उस तरह से। तो देखिए ये चौथा जाली में हम आ गए हैं, तो इसे हम देखिए उतार लेंगे और इस तरह से पांच उल्टा बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और इस कलर से हम ये वाला एक दो तीन चार, अब धागा आगे करेंगे और एक जाली डालेंगे, फिर धागा आगे और एक जाली, फिर उसी तरह से चार फंदा यहाँ पे बचा है सीधा इसी कलर से बनाएंगे। तो देखिए मेरा टोटल कितना फंदा हुआ है इसमें चार जाली के बाद, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब हम अगले सिलाई में ये फंदा घटाएंगे और जाली नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टा बुन दें तीन फंदा, देखिए धागा पीछे एक फंदा, इसको थोड़ा लूज रखिएगा पीछे में, और देखिए इससे हम इस तरह से बुनेंगे और फिर यहाँ पे देखिए हमको एक फंदा दूसरे लीफ के लिए हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम इस फंदे से बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये कलर बनाएंगे, लेकिन बीच में हमें वाइट कलर बनाना होगा उल्टा, ताकि ये इस डंडी से ये लीफ अलग रहे, इसलिए हमें ये फंदा बनाना है।
देखिए, फिर हम धागा आगे करेंगे और जो फंदा यहाँ पे हम बढ़ाए हैं तो यहाँ पे हम एक फंदा घटा देंगे, यहाँ नहीं, ये देखिए यहाँ पे हमें एक फंदा घटा देना है। देखिए इसी तरह से ये लीफ बनता जाएगा, एक तैयार होगा जो चार जाली कंप्लीट होगा तो दूसरा जाली आपका दूसरे लीफ के लिए आप यहाँ पे एक फंदा लेंगे इस कलर से और इसी तरह से आप लीफ बनाएंगे। तो देखिए ये मेरा लीफ कंप्लीट हो गया है और ये वाला जो है इतना बढ़ के आया है और फिर तीसरा लीफ जो है हम यहाँ पे एक फंदा बना दिए हैं। तो आपको समझ में आ गया, फिर भी हम दिखा दे रहे हैं इसे इसे भी घटा के। देखिए इसे हम आपको एक ही बार में इसे घटाना दिखाए हैं और इसको हम जाली से बढ़ाना दिखाए हैं, फिर यहाँ पे हम आपको शुरू करते हुए दिखाए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बताने, तो देखिए दोस्तों इसे अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और इस वीडियो को पूरा देखिए और किसी भी डिज़ाइन से सूटर डिज़ाइन में डालिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फातिमा खान खास आपके लिए, आपके कमेंट पर ये हमने वीडियो बनाया है। तो देखिए ये एक कलर का है और ये टू कलर का है, वन कलर टू कलर, आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। ये डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा, नीचे से जैसे ही हमने ऊपर बनाया है उसे नीचे से शुरू होगा। अगर नहीं तो मेरा अगला पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और इसको आप अपने जीन्स सूटर में किसी भी जैकेट में भी आप डाल सकते हैं, जेंट्स जैकेट में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये टू कलर का डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम दो का एक कर दिया और ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ और फिर यहाँ लास्ट में दो का एक, फिर धागा आगे ये तीन उल्टा, फिर धागा पीछे ये एक सीधा, फिर धागा आगे यहाँ पे एक फंदा में दो फंदा, फिर धागा पीछे इस फंदे में एक फंदा में तीन फंदा। ये देखिए ये एक लीफ दो लीफ तीन लीफ और ये चौथा लीफ के लिए ये फंदा बढ़ रहा है। फिर धागा आगे और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है तो यहाँ पे हम घटाएंगे। देखिए तो देखिए हम इसे किस तरह से, फिर इसे दो का एक कर देंगे इस तरह से। आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हम ये पत्ता पूरा तैयार करके हम आपको दिखा देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए दो चार छः सात फंदा बचा है और ये उसी तरह से बनेगा जिस तरह से ये पत्ता बना है, उसी तरह से ये भी बनेगा और जिस तरह से यहाँ तक ये बना है उस तरह से ये बनेगा। आपको समझ में आ गया हो तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है ये लीफ। तो दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट के ज़रिए बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा।